सो है गाइस, दिस इज योर अभिषेक अवस्थी एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा 5 मोस्ट स्कैरी प्लेसेस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। डॉ हिल वेस्ट बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग में मौजूद डॉ हिल दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यह हिल स्टेशन हरे भरे जंगलों के बीच बना है। दोस्तों इसकी ऊंचाई 4,864 फीट है। स्थानीय भाषा में कुर्सियोंग को खरसंगा कहते हैं, जिसका मतलब है सफ़ेद आर्कटिक की भूमि। दोस्तों वैसे ये जगह खास तौर से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बोर्डिंग स्कूल के लिए मशहूर है, लेकिन कुर्सियोंग से सटी डॉ हिल काफ़ी मिस्टीरियस है। दोस्तों यह वजह है कि डॉ हिल भारत की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है। दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ हिल के जंगलों में आए दिन जान देने की खबरें सामने आती रहती हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं बड़ी संख्या में। दोस्तों इसका अंदाज़ा यहाँ मिलने वाली इंसानी शरीर और हड्डियों से लगाया जा सकता है। दोस्तों इसी के चलते यहाँ अजीब गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में पैरों की अजीब आहट सुनाई देती है और देखने पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों ये जगह भूतिया है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, पर यह जगह डरावनी है ये हम कह सकते हैं। थ्री किंग चर्च गोवा। दोस्तों गोवा में एक ऐसा चर्च है जहाँ 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार लोग इसका एहसास भी कर चुके हैं। दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय पर यहाँ 3 पुर्तगाली राजाओं का शासन था। अक्सर तीनों में अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसके चलते एक दिन होलगेर नाम के राजा ने बाकी 2 राजाओं को इस चर्च में दावत के लिए आमंत्रित किया और धोखे से खाने में जहर खिला दिया, जिससे दोनों राजाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही लोगों को इस घटना की भनक लगी तो उन्होंने चर्च को घेर लिया। जनता के बढ़ते गुस्से आक्रामक रवैये को देखकर तीसरे राजा यानी होलगेर ने जान दे दी। बाद में तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि आज भी यहाँ इन राजाओं की आत्मा भटकती है। पिसावा फॉरेस्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा इलाका है जहाँ जाने से लोग बचते हैं, कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत उठा नहीं पाता। दोस्तों यहाँ के पिसावा नामक ग्राम के आसपास कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें सुनकर कोई भी आसानी से डर जाए। दोस्तों एक गांव एक जंगल के बीच है जहां घने पेड़ पौधे हैं। इतना ही नहीं यहां कई भयानक जानवर भी रहते हैं। इस घने जंगल में जो भी जाता है वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। दरअसल उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे दिमागी रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस जंगल से कोई भी लकड़ी काट कर नहीं ले जा सकता। अगर गलती से कोई ऐसा करता है तो वो अनहोनी का शिकार हो जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर का कुलधरा गांव हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ये गांव शापित है। दोस्तों करीब 170 साल से ये गांव वीरान पड़ा है। आसपास के लोगों का कहना है कभी यहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार की बात है यहाँ के लोग अपनी बहन बेटियों को अय्यास दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए गांव को खाली कर कहीं और चले गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ फिर से कभी कोई नहीं बस पाएगा। बस तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं कि अब यहाँ आत्माओं का वास है और अब यहाँ कोई नहीं रहता। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण की आहट आज भी सुनाई देती है। हॉन्टेड प्लेस के चलते प्रशासन ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया, जिसे पार कर आप दिन में तो यहां जा सकते हैं लेकिन रात में यहां आने की हिम्मत कोई नहीं करता। शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे। दोस्तों कहा जाता है कि यहां हमेशा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों कहते हैं कि एक समय पर यहाँ पेशवाओं का शासन हुआ करता था। जब उत्तराधिकारी का चुनाव होना था तो उसमें नारायण नाम बालक को चुना गया, क्योंकि उसके अलावा कोई और उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन कुछ लोग इस नाम से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी। वो बच्चा जान बचाने के लिए आवाज़ लगाता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ से गुजरने पर किसी बालक के रोने व चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। तो हे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।